जय श्री कृष्ण। नए साल 2021 को वेलकम। हेलो गुजरात की ओर से सबको बहुत बहुत ये साल 2021 सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सबको। और मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, एस्ट्रोलॉजर मुंबई से। और अभी आपको मैं टैरोट कार्ड पे से ये वीक का भविष्य दिखाने जा रही हूँ, तुला राशि से मीन राशि तक का। तो फर्स्ट हम देखते हैं तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक क्या कहती है। तुला राशि की स्ट्रगल लाइफ अभी ख़त्म हो रही है, अभी बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं और 6 महीने के अंदर बहुत ही गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको। और आपको अपनी लगाम हाथ में रखनी है और उसमें खास ध्यान रखना है कि व्यापार बिजनेस में है या तो घर के फैमिली के अंदर, तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। और कोई किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कहीं पे आपके ऊपर चाल तो नहीं चल रही जा रही है, तो वो ध्यान रखें खास करके। और बहुत ही अच्छा समय आपका अभी आ रहा है ये साल और ये वीक। और आपका लकी कलर रहेगा येलो कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर। और लकी नंबर है आपका 7 नंबर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए ये वीक क्या कहता है। वृश्चिक राशि की लक्ष्मी कहीं बंधी हुई है तो वो आपको छोड़ना है और ध्यान रखें। आपको लगता है कि ये सोना है लेकिन सोना नहीं है, पास में जाके देखते हैं तो ये पीतल निकलता है, तो खास ध्यान रखें। और आपकी लाइफ में कोई लेडीज आके आपको हेल्प करके चली जाएगी। और लकी कलर रहेगा आपका येलो कलर और रेड कलर, ग्रीन कलर। और लकी नंबर आपका 6 नंबर और 7 नंबर है। और ध्यान रखें कि आपकी लक्ष्मी बंधी हुई है तो हमें क्या करना है। तो लक्ष्मी बंधी हुई है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे एक कपूर और एक लौंग लेके मिट्टी का दिया लेके उसमें जलाना है 7 बजे, तो उससे आपकी लक्ष्मी बंधन जो होती है वो छूट जाएगी और उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। जहाँ पे आपके घर में रुकावट आ रही तो वो निकल जाएगी, घर के अंदर ये साउथ ईस्ट में जलाना है। अभी आ रही है धनुराशि। तो धनुराशि के लिए ये भी कैसा है। धनु राशि के लिए ये भी बहुत ही अच्छा है, कहीं से इनकम का सोर्स बढ़ रहा है। और थोड़ी आलस आप छोड़ दीजिए और अच्छे से काम कंटिन्यू कीजिए। आपको लगता है थोड़ा पैसा आ गया तो अभी आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे और काम करिए तो उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। और आलस छोड़कर और आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो किसी के साथ, युवक और युवतियों की शादी का योग भी आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं। ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और आपका लकी नंबर रहेगा 8 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो और रेड कलर। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए ये वीक कैसा है। मकर राशि हो सके तो आपका ये वीक बहुत ही अच्छा है। आपको नेगेटिव थॉट आते हैं जब आप सोने जाते हो, जब आप उठते हो तभी, तो नेगेटिव थॉट नहीं करना है आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको पिलो के अंदर 1-5 कपूर रख दीजिए तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और आपकी जो कुल देवी है उसका ध्यान कीजिए और साल में 1 बार कुल देवी के यहाँ मंदिर में दर्शन करने जाना है और माँ को ये लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना है, तो उससे माँ बहुत खुश हो जाएगी। आपके घर में जो भी रुकावट आ रही है वो निकल जाएगी। और आपके फॉरेन जाने के, बाहर धर्म पे कहीं पे जाने की यात्रा का योग आ रहा है और आप उसके कीजिए। और लकी नंबर रहेगा आपका ग्रीन कलर और रेड कलर। और लकी नंबर है आपका 8 नंबर और 4। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए ये वीक कैसा है। कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या बताता है। कुंभ राशि के लिए ये वीक थोड़ा उसके लिए थोड़ा लाइट सम है, तो थोड़ा मून शाइन दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपकी माता या तो आपकी कुल देवी है उसको पैर छूना और दर्शन करके फिर कोई भी काम के कार्य के लिए आप बाहर निकले तो आपको उससे बेनिफिट होगा। और अभी आप कुछ नए काम के लिए जो भी काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे 2 जन की एडवाइस लीजिए तो उससे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उल्टे लटके हुए हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। और आप कुछ नए घर लेने के लिए सोच रहे हो और इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो रेंट लेने के लिए घर पे जा रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपके घर के बाहर से ऐसा घर लीजिए कि जहाँ से माउंटेन दिखा दिए, बगीचा दिखा दिए, ग्रीनरी हो, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए ये वीक और ये साल कैसा है। मीन राशि के लिए
ये वीक बहुत ही अच्छा है और वो सोच रहे कुछ आनंद और मस्ती करने जाए और उसमें वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या काम करना है। तो थोड़ा ध्यान रखें, उससे आपको बेनिफिट होगा, आपको आपका पेट भी अवेक कर रहा है कि सोच समझकर आगे बढ़िए। आप मस्ती और आनंद में आपका व्यापार बिजनेस या तो फैमिली को भूल जाते हो तो वो ना करें, और आपके बिजनेस के अंदर या तो आपके घर के अंदर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी 6 महीने के अंदर आने वाली है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप बहुत ही होशियार और बहुत ही अच्छे हो, आगे बढ़िए। और लकी कलर रहेगा आपका येलो कलर, रेड कलर, और लकी नंबर है आपका 9th नंबर। और आपकी कुल देवी जो भी कार्य करने को निकले, तभी आपकी कुल देवी को पेट चुके और उसके दर्शन करने साल में एक बार जाइए, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आज की ये मीन राशि यहाँ पे समाप्त हो रही है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हेलो गुजरात की ओर से, और ये साल 2021 सबके लिए बहुत बहुत ही शुभ। थैंक यू वेरी मच।